देश बेच दिया है, मोदी जी कह रहे हैं। मोदी जी नहीं कह रहे, मोदी जी के जो विरोधी हैं विपक्ष पार्टी। हाँ तो ठीक है, बेचा है तो वो फिर जनता के सहयोग से फिर वापस ले लेंगे अपना। अच्छा अच्छा, जाएगा नहीं देश कहाँ जाएगा। क्या नाम है? शिवराज सिंह चौहान। सही काम करे मुख्यमंत्री। हाँ सही काम, सही काम किया है। बहनों को अभी 1,000 रुपए जो खाते में आ रहे हैं तो बहनों को उससे काफी मदद मिल रही है। कई बहनों ने अपनी सिलाई मशीन लेके उससे अपना आगे काम। कितनी मेहनत करके खाते हैं यार, बड़ा अच्छा लगता है। आज आप कब से आ रहे हो? अभी शनिवार से आए हम। शनिवार से? यानी कितने दिन हो गए? मैं शनिवार कब था? आज मंगलवार, बुधवार है आज। बुधवार हो गया, यानी कि 3-4 दिन हो गए। 5 दिन हो गए। 5 दिन हो गए। अच्छा सही चला गुजारा? हाँ ठीक है। अरे क्या क्या ले रहे हो आप तस्वीर में? ये इनका बाबा जी वो है, राज माता। अच्छा किस किस की? ये त्रिमूर्ति, ये बाबा जी, ये राज माता है जो इस टाइम गद्दी पे है। कुछ कमाया भी हो गया भगवान की दया से, खर्चा पानी निकल गया। हर साल आते हैं। अच्छा हर साल आते हैं हम दिल्ली में, मतलब कंटिन्यू बेचते हैं। कहाँ से आप? दिल्ली से। दिल्ली से यहाँ पे आते हैं? दिल्ली से कमरा लेते हैं। अच्छा किराए पे कमरा लेते? किराए पे लेते हैं। अरे बड़ी मेहनत करते हो आप, बड़ी मेहनत। अच्छा इतनी उम्र हो गया अभी भी मेहनत? मेरी 67 साल। फिर भी इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? बच्चे करते नहीं? नहीं बच्चे भी करते हैं। अच्छा बच्चे। हाँ दिल्ली में अगर करोगे तो खाओगे, नहीं करोगे तो आपको। अच्छा अच्छा अच्छा, ये भी आया अभी कुछ बोलना चाहोगे? इस तरफ आ जाओ भाई। क्या कहाँ से आए आप? सागर एमपी से आए। अच्छा सागर से आए हो? अरे बड़े काफी श्रद्धालु मिले भाई आज सागर एमपी से। अच्छा सागर कोई डिस्ट्रिक्ट है क्या? हाँ डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा अच्छा, आप दोनों बहने हो? हाँ जी। अच्छा अच्छा, हाँ लग जाओ। अच्छा कैसा लगा यहाँ पे घूम कर? बहुत अच्छा लगा, सतगुरु माता जी के दर्शन भी हुए और ये पूरा स्टेट बहुत अच्छा है, हरियाणा बहुत अच्छा लगा। अच्छा आप तो एक पढ़े लिखे युवा हो, सोचते होंगे कि भाई आज के टाइम में काफ़ी अंधविश्वास में लोग दिखे जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लगा आपको? ये सत्य का मिशन है, यहाँ पे अंधविश्वास जैसी कोई चीज़ें नहीं रहती है। जो भी भ्रांति रखते हैं कि ये व्रत करो, ये करो, वो करो, यहाँ वो कुछ नहीं है। या कई लोग किसी से वो धागे लेते हैं बांधते, यहाँ ये ऐसा मिशन नहीं है। अच्छा ऐसा परहेज भी है कुछ भी है कि ये चीज़ नहीं खानी है, ये चीज़ नहीं खानी है? नहीं नहीं, ऐसी कोई परहेज नहीं है। जाति धर्म का कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि जो जहाँ जिस गांव क्षेत्र में रहते हैं तो वहाँ का पहनावा खान पान अलग रहता है, ये तो उससे भेदभाव नहीं करना है हमको। अच्छा इस हमारे मिशन में ये है। अच्छा जैसे खा सकते हैं अंडा मांस मीट का? हाँ हाँ, जिनके यहाँ जैसे वो केरल, केरल में या कहाँ चलता है वहाँ उस साइड मीट वगैरह खाते हैं, मछली चावल खाए जाते हैं, तो वो भी इस धर्म में आते हैं। इस ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन हर धर्म के लोग आते हैं यहाँ। ठीक ठीक। अच्छा क्या करते हो आप? पढ़ाई करते हो? क्या करते हो? हाँ मैं पढ़ाई करती हूँ, मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ। अच्छा तो क्या पढ़ने का सपना है? मेरा सपना तो अब मेरा अभी मेरा कुछ फिक्स नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब करना चाहती हूँ। अच्छा अच्छा, ये बात है। देखो भाई गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं। अच्छा आपके एमपी में इलेक्शन है अभी, थोड़ी बात कर लेते हैं क्योंकि आप भी आए, विकास हो पाया वहाँ भी? चलो इसमें ही बात कर लेंगे। हाँ काफ़ी विकास हुआ है वहाँ पे, रोड्स वगैरह भी बन गए हैं, सब कुछ अच्छे अच्छा ही हो रहा है, डेवलप हो रही है सिटी। हमारी सिटी तो स्मार्ट सिटी बनने ही वाली है। अच्छा स्मार्ट सिटी बनने वाली है? हाँ जी। ये जो सागर है? हाँ जी सागर। अच्छा किसकी सरकार है वहाँ पे? वहाँ पे बीजेपी। बीजेपी है? हाँ जी। अच्छा बीजेपी दोबारा बन जाएगी वहाँ, मतलब लगता है कि भाई एमपी में दोबारा बीजेपी बन सकती है? हाँ लगता है बीजेपी बन जाएगी, क्योंकि काफ़ी सारी योजनाएं अभी चलाई गई हैं और सरकार बहुत कुछ कर रही है सभी के लिए, तो बीजेपी लग रहा है इस बार। अच्छा मोदी जी कैसे लगते हैं आपको? ठीक है प्रधानमंत्री? बहुत अच्छे हैं। अच्छे अच्छे। हाँ आपके मुख्यमंत्री क्या नाम है? शिव, क्या नाम है? शिवराज सिंह चौहान। सही काम करे मुख्यमंत्री। हाँ सही काम, सही काम किया है। बहनों को अभी 1,000 रुपए जो खाते में आ रहे हैं तो बहनों को उससे काफ़ी मदद मिल रही है। कई बहनों ने अपनी सिलाई मशीन लेके उससे अपना आगे काम बढ़ाया है, कईयों के बच्चों के स्कूलों की फीस वगैरह उन उसमें काफ़ी मदद मिल रही है। अच्छा। तो दोबारा बीजेपी आएगी, प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी जी? अच्छा मोदी जी बन सकते हैं प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के चुनाव के हिसाब से देखकर? हमको तो लगता है बन सकते हैं, बनना चाहिए। जैसे आप पढ़े लिखे भी हो, आप सोचते क्या सोचते हो? विकास हुआ देश का नहीं हुआ? हाँ विकास तो हुआ है, बहुत हुआ है। अच्छा हुआ है विकास। कांग्रेस राहुल गांधी कैसे है अगर जो प्रधानमंत्री बना दी जाए? अभी तो वो
थे नहीं तो उनके बारे में हम क्या कहें। अभी तो ये वो बनना चाहते हैं प्रधानमंत्री, वो कह रहे हैं कि अगर हम प्रधानमंत्री बनाएंगे ना बनेंगे ना तो मतलब देश को आगे तक पहुँचाएंगे। उनके बारे में हम क्या कहें, अभी तो यही चल रही थी बीजेपी सरकार। राहुल गांधी का नाम लेने के बाद हंसी आती है, वो क्या ये है कि वो कांग्रेस सरकार एक तो आती है तो अतिक्रमण करवा के जिन बेचारों के घर उनके घर भी टूट जाते हैं, वो बेघर हो जाते हैं, तो वो हम नहीं चाहते कि वो लोग बेघर हो। रोड रोड बन के तो वो तो कोई मतलब नहीं निकलता, रोड है जितनी तो उसमें भी कई लोग जितना स्पेस है तो उस पर एडजस्ट हो भी जाता है ना। यानी कुल मिला के मोदी सरकार ठीक है? हाँ मोदी सरकार ठीक है, वो उन्होंने काफ़ी विकास किया है, अभी तो बहनों के लिए भी बहुत कुछ किया है, तो बहनें तो यही चाहेंगी कि हाँ भाई उनका परिवार भी। देखो भाई ये बहनें आई है और बहनें जो है एमपी में बीजेपी सरकार चाहती हैं। बहनें सशक्त हो रही हैं ना, उनके काम करने से सशक्त हुई हैं बहनें, तो वो तो यही चाहेंगी कि हाँ बीजेपी सरकार ही रहे। मोदी जी कह रहे हैं मोदी जी ने देश बेच दिया, देश बेच दिया है मोदी जी कह रहे हैं। मोदी जी नहीं कह रहे, मोदी जी के दो विरोधी हैं विपक्ष पार्टी। हाँ तो ठीक है, बेचा है तो वो फिर जनता के सहयोग से फिर वापस ले लेंगे अपना। अच्छा अच्छा, जाएगा नहीं देश कहाँ जाएगा। चलो काफी अच्छा लगा मिले, क्या नाम आपका? विनीता। आपका? सिमरन। चलो भाई नाम मैंने थोड़ा सा आज मैं क्या नाम बताया दोबारा? विनीता। विनीता सिमरन। विनीता सिमरन, तो भाई काफ़ी बढ़िया लगा इनसे बातचीत करके। और आप क्या कुछ कहना चाहोगे, एमपी में किसकी सरकार बनी है? थोड़ी चर्चा करी थी वैसे समागम में आए थे, काफ़ी अच्छा है, धर्म में आना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, परमात्मा का ईश्वर का नाम लेना चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से, और एमपी भी हम पहुँचेंगे, हमारी टीम एमपी पहुँचने वाली है लगातार चुनाव को लेकर के। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत माता की जय। ओके सर।